किया है। आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है। ये क्यों रोक रही है, क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्यों रुकवा रही है, जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी, हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है। हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के, दस बंदे थे एफआईए वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफर, उसे नंगा लेकर आए। मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही ये चलान देते और प्रूफ देते कि जल सब ये इसका प्रूफ है, इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए, आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है। कल आई हूँ, मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ़ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि आवाम का दबाव चाहिए, आवाम का दबाव चाहिए, आवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है, पूरा केस करें। खुला की दरख्वास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी, 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया, बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो आकर एफआईए में दरख्वास्त दें और एफआईए वाले जो हमारी बेटी को नाजायज लेकर आए, ये नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है। अल्लाह से डरें, यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर, और इस औरत पे, इसके बच्चों पे कहर डलेगा, इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है।